Okay, good evening guys. Flower and Mascot teaching in Indian background music. Let's go there in the background. चलिए तो क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में क्या चल रहा था और कहां तक कर लिया था हम लोग So uses of indefinite articles में if we put an article before a verb. अच्छा तो ये indefinite article uses basically हमने कर लिए थे ना? Yes sir. Last वाला before a verb it acts as a noun use वाला खत्म हुआ था. अच्छा. Got it. ये मेरी पहली क्लास है सिद्धार्थ पहली क्लास आर्टिकल्स की है पहली क्लास है नाइन के से स्टार्ट की है ओके तो आपकी इंग्लिश की पहली ही क्लास है ट्वेंटी को चल रही थी Same with Khushi, okay. This is your first class also. चलिए कोई बात नहीं पहली क्लास है तब भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं आर्टिकल्स थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना इसके यूजेस तो पता ही है आपको आर्टिकल्स के ठीक है तो थोड़ा जनरली लेके चलेंगे हम लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है ठीक है बाकी फॉलो करने की कोशिश करो बाकी नया टॉपिक करेंगे तो समझ में आएगा कोई बात नहीं इसे मैं रिपीट कर दूंगा बाद में ऐसा होगा ठीक है दिस थिंग इज नॉट वर्किंग आई डोंट नो हाउ आई एम सपोज्ड टू राइट Please just give me one minute. Yes, sir. तो दो चार निकल तुम्हारा ये बात ये नहीं आप एकदम क्लियर होगी लड़की वाला उसमें क्या लड़की वाला होता है जो बोलते हैं वो क्या कर रहा होगा क्लास सन क्लास सन क्या जो बोलते हैं वो क्या होगा करो इसको ट्राई एकदम देखो कम नहीं कर रही हूँ लेकिन क्लास स्टार्ट करने पर लग रही है
हाँ Thank you.
Okay, hello guys. Sorry for the disturbance. Yes. चलिए आप दिख रहे हैं सबको. एक्चुअली दिस थिंग वाज नॉट वर्किंग. आई वाज नॉट एबल टू राइट एट दैट टाइम. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गेट इट फिक्स्ड. नाउ इट्स वर्किंग. सो नाउ वी कैन स्टार्ट. ओके सो वी वर हियर समवेयर ना. हमने यहाँ तक किया था. तो हम लोगों ने यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स कर लिया था कि ए और एन को हम लोग कहाँ भी यूज करते हैं. एंड उसमें हम लोगों ने लास्ट यूज देखा था बिफोर एन आर्टिकल बिफोर अ वर्ब. ठीक है, इट एक्ट्स एज अ नाउन. वो नाउन को डायरेक्ट करता है. चलो ठीक है, ये अलग पार्ट हमने देख लिया था. तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल. ठीक है, जो आप मार्केट में हो और आपको मिल पा रहा हूँ तो फिर और क्या चाहिए. के बाद मिलने लगा बहुत खुशी हुई. इंग्लिश का सौ परसेंट हो गया भाई आपका. चलिए तो पहले इसमें क्या था ओमिशन ऑफ आर्टिकल. इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कहां पे आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जैसे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल देखा था. तो आवाज आई सबको? एंड यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल. नाउ वी विल सी ओमिशन ऑफ आर्टिकल. ऑल्दो इसके अंदर हम दोनों यूज देखेंगे कहां पे यूज करना है, लेकिन साथ ही साथ देखेंगे कहां पे नहीं करना है. यानी कि दोनों यूज साथ में देख लेंगे. बेसिकली ओमिशन प्लस द एक्सेप्शन. ओमिशन कहां पे नहीं यूज करना है, उसके साथ साथ उसका एक्सेप्शन क्या है. पहला हमारा जो रूल आता है वो ये कहता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस यूज इन द जनरल सेंस. बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउंस में हमने दो तरीके के देखे थे. अनकाउंटेबल नाउंस की अगर हम बात करें तो मैं से अगर स्पेसिफाई कर करके लिखूं तो बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस. बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट नाउंस. ठीक है, तो नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस में क्या आ जाएगा, जैसे कुछ भी शुगर वाटर इस टाइप की चीजें. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउंस क्वालिटी स्टेट. ठीक है, तो इनके नाम से पहले तो ये सारे हमें पता है किस कैटेगरी में आते हैं. दे कम अंडर अनकाउंटेबल नाउंस. तो इसके पहले अगर आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, अगर इसे जनरल सेंस में यूज किया जाएगा तो, क्योंकि आपको पता है वह अनकाउंटेबल है, इसके साथ या तो हम ए और एन लगा सकते हैं. ठीक है, और या फिर इसके साथ में हम लोग द लगा सकते हैं. ठीक है, तो ए और एन तो लगा नहीं सकते अनकाउंटेबल के साथ में. और जब डेफिनेट सेंस की बात करेंगे तो हम द लगाते हैं. इसलिए यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये इन अ जनरल सेंस. ठीक है, तो जब आप अनकाउंटेबल नाउंस को जनरल सेंस में यूज करोगे तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा. जैसे पहले एग्जांपल देखता हूं मैं. जैसे अगर मैं बोलता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, तो ऑनेस्टी हमारे क्या है, कौन सा नाउन है और सबको, तो फिर आप मेरे को बता दीजिए. हाँ, तो ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, क्या हो रहा है, पूरे स्क्रॉल हो जा रहे हैं साथ में. या ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने आपने लास्ट में करा था ना, 1 की वैल्यू 15 वही सेम है कर इसको ट्राई करो. ठीक है, जो लोग नाउन सीखा थे क्लास में आपको पता है ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउंस. ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब आप जनरल सेंटेंस जब भी बोलते हो, जब भी जनरली बात कर रही है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो अभी हमें पता नहीं है, हमने कुछ ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया क्या ऑनेस्टी, हमने जनरल बात बोली जो सभी पे लागू हो रही है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो ऐसे केस में ऑनेस्टी के साथ आप द नहीं लगाते. ठीक है, क्योंकि आप इसे एक जनरल केस में यूज कर रहे हो. वैसे ही जैसे अगर मुझे बोलना होगा शुगर इज बैड फॉर योर टीथ. ठीक है, फॉर योर टीथ. ठीक है, शुगर हमारा क्या जाएगा, इट्स लाइक नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस. इसी में अगर मेरे को और एग्जांपल देखना है तो जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था लास्ट टाइम, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. ठीक है, लास्ट क्लास में समझ क्या था, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ.
ओके, तो इस तरीके से अगर आप क्वालिटी को यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टर्म को या फिर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस इसे जनरल सेंस में यूज करते हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें देख रहे हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल की आर्टिकल कब नहीं लगाना है, हम साथ ही भी देखेंगे कब लगा सकते हैं। तो जैसे ही वाला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे आपने इस तरीके से लिखा। अगर मैं यहीं पे स्पेसिफाई करूं ठीक है कि मैं किसकी ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है ऐसा अगर मैं कुछ लिखता हूं तो साथ में हम आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोल सकता हूं द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन ड्यूरिंग द मैच was praised by all, was praised by all। ठीक है, लिखा नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा जो मैं लिख रहा हूं वो गाइस विजिबल है, विजिबल है। तो सिद्धार्थ एक बार आप रिफ्रेश करके देखो पेज को, देन इट माइट गेट विजिबल। ठीक है सिद्धार्थ रिफ्रेश द पेज, हाँ देन इट विल बी विजिबल। ओके, तो द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन ड्यूरिंग द मैच वाज प्रेज्ड बाय ऑल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो ऑनेस्टी को जो हमने जनरल सेंस में लिखा तो आर्टिकल यूज नहीं किया, लेकिन इसी को जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ किसकी ऑनेस्टी, किसकी ईमानदारी, सचिन की ईमानदारी, तो मैं इसके साथ में द लगा लूंगा। ठीक है, शुगर के साथ हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉर्मली ऐसे भी बोलते हो पास मी द शुगर, तो दिस इज ये वो एक्सेप्शन है जहां पे हम यूज कर सकते हैं और ये वो जनरल केसेस है जहां पे यूज नहीं किया जाएगा। जैसे पास मी द शुगर, ठीक है अगर आप टेबल बैठे हो सामने शुगर रखी है तो आप ऐसे टाइम यूज कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं द शुगर ऑफ दिस ब्रांड ऐसा कुछ, ठीक है whatever you want to say, तुमने ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, तो ऐसे केसेस आप यूज कर लोगे। लेकिन हाँ अगर इन्हीं चीजों को जनरल सेंस में यूज किया जाएगा तो आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है लेकिन हमने एग्जांपल्स के साथ में समझ लिया इसे। ठीक है, तो ऑनेस्टी या काइंडनेस या कोई भी ऐसी चीज जब किसी की बात कर रहे होते तो आर्टिकल यूज नहीं करोगे, जनरल सेंस में बोल रहा तो किसी से रिलेटेड आर्टिकल करोगे। पास में द शुगर एक बार वापस बताइए ना, जो टेबल पे कंटेनर में रखी है तो मुझे चीनी की बात करो कि भाई इधर दे दो। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग इसके साथ दा लगा देंगे क्योंकि भाई डिफाइंड है तब आप ऐसा बोलते हो पास में द शुगर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी किसी से कुछ पास करने को तभी बोलते हैं जब वो दिख रहा हो सामने। ठीक है, तो ऐसे केस में आप दाल लगाओगे। और जनरली अगर तुम्हें कुछ चीनी चाहिए और अभी नॉर्मली बोल रहे हो कि मेरे को कुछ शुगर चाहिए अपनी चीनी उसमें चाय में या कॉफी में, देन यू विल से आई वांट सम शुगर। ठीक है, या प्लीज गिव मी सम शुगर या व्हाटएवर यू वांट टू से, लेकिन द उस टाइम पे नहीं लगाओगे। द तब लगाओगे जब डिफाइंड हो कि हाँ वही जो रखी है वो इधर को दे दो थोड़ा सा, ऐसे केस में वी विल यूज द। तो पहला केस हमारा हो गया बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस यूज्ड इन अ जनरल सेंस। तो ये हो गया आपका जनरल सेंस, और ये जो हमने एग्जांपल लिखे ये है हमारे स्पेसिफिक सेंस। हमने पढ़ा भी जनरल सेंस में तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ स्पेसिफाई कर रहे हो किसकी ऑनेस्टी या फिर कौन सी शुगर तो अब दा लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउंस यूज्ड इन अ जनरल सेंस। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउंस के साथ में अगर आप उसे जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपने प्लूरल के साथ द लगाया तो वो हमेशा स्पेसिफिक ही शो करता है। बाकी एग्जाम्पल कैसा, जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, जब आप इस तरीके से बोलते हो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स तो यहाँ पे द नहीं लगाओगे आप, क्योंकि जनरल एक बात कह रहे हो क्योंकि चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, बच्चों को चॉकलेट पसंद आती है। ठीक है, या फिर ऐसा कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। तो यहाँ पे आप इन जो नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इन्हें आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आप इसे स्पेसिफाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है समझना कि जनरल सेंस की बात चल रही है वाली। ठीक है, और द का भी यूज कर सकते हैं इसके साथ में, जब आप स्पेसिफाई यूज करो स्पेसिफाई कर दो तो स्पेसिफिक यूज में द लग जाएगा। स्पेसिफिक यूज देखो, जैसे अगर मैं बोलूं द चिल्ड्रन
ऑफ दिस प्लैनेट, बस मेरे को सीधे बताना है कि कहां के बच्चे ऐसा, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस प्लैनेट लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, द चिल्ड्रन ऑफ माय कॉलोनी, द चिल्ड्रन ऑफ दिस सिटी, द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल, द चिल्ड्रन ऑफ माय हाउस, व्हाटएवर यू वांट टू से, बट इफ यू आर लाइक टेलिंग और इफ यू आर डूइंग टेलिंग समथिंग इन पर्टिकुलर कि यहां के बच्चे, तो उसके साथ आप दा लगा दोगे और पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया प्लैनेट के बच्चे, बाकियों को पता नहीं मार्स के बच्चे क्या खा रहे हैं अगर हैं बाय चांस, तो फोटो तो आ गई वहां की थोड़ी बहुत, क्या द कंप्यूटर इज यूज्ड इन माय ऑफिस, ठीक है, अभी मैंने लिखा कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, भाई जनरल बात है, बहुत सारे ऑफिस में कंप्यूटर यूज होता है, लेकिन मैं अगर अपने ऑफिस के कंप्यूटर को बताऊं तो द कंप्यूटर्स यूज्ड इन माय ऑफिस आर वेरी एडवांस्ड, ठीक है, तो ऐसा अगर आप कुछ यूज कर रहे हो तो बताओ ये कहां के कंप्यूटर्स, तो लग जाएगा, ठीक है, क्लियर वाला पॉइंट मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी सा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में अगर हम उसे जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो ये जनरल सेंस हो गया, एंड व्हेन वी हैव स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेसिफिक यूज बता रहे हो तो आर्टिकल यूज हो, चलिए नाइस, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, ठीक है, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, ऐसे केस में जब लोग आप यूज करते हैं तो उसके साथ में आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आई हैव हैड लंच, ठीक है, एट व्हाट टाइम Do you have dinner? ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि जनरली अगर आप रोज वाले सेंस में यूज कर रहे हो, रोज वाले सेंस में लंच डिनर या इसका नाम बोल रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल नहीं लगाओगे, आप ऐसे नहीं बोलोगे लंच, गो फॉर अ लंच, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, वो एक्चुअली लंच के साथ साथ लंच वाली मीटिंग ऐसा कुछ दिखा रहा हुआ है, ठीक है, तो लेट्स हैव लंच अगर आपको बोलना है तो लेट्स हैव अ लंच या द लंच आप नहीं बोलोगे, लेट्स हैव लंच, ठीक है, तो जनरल सेंस में आप इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते हो, कब लगाते हो, जब आप स्पेसिफाई करो कुछ, जैसे कब का डिनर, ठीक है, द डिनर इज रेडी, नहीं नहीं गलत है, डिनर इज रेडी इज फाइन, रोज वाले सेंस में अगर हम यूज करें ना तो डिनर इज रेडी इज फाइन, द डिनर इज रेडी नहीं, ठीक है, द डिनर वी हैड At the tourist hotel was delicious. ठीक है, आपने कहीं पे किया था कोई सा डिनर, वो काफी delicious था, ऐसा कुछ आप बताने वाले हो तो आप लिखाओगे, तो the dinner we had at the tourist hotel was delicious. ठीक है, अब आप बता रहे हो कौन सा डिनर जो हमने उस होटल पे किया था, ठीक है, या फिर the breakfast prepared by him, उसने जो ब्रेकफास्ट रेडी किया था वो बहुत डिलीशियस था, ठीक है, द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम वाज डिलीशियस, तो वाज नॉट डिलीशियस भी लिख सकते हो जैसा मन करे, लेकिन हाँ मेन चीज ये कि अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सा लंच कौन सा डिनर, ठीक है, और अगर हम रोज की बात कर रहे हैं क्या चलो खाना भी आ रहे हैं खाना खा लेते हैं ऐसा कुछ, तो आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, और जब ऐसा कुछ स्पेसिफिक जैसा बोलने की बात हो तो हम आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, अच्छा एक और तरीका होता है बोलने का जहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, जैसे अगर आप बोलते हो ना, एक तो द यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, एक तरीका होता है बोलने का आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट टुडे, लोग ऐसे बोलते हैं सुना होगा कई बार, ठीक है, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट टुडे, तो लोग इस तरीके से यूज करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, देखो ये रहा आपका नाउन ब्रेकफास्ट, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रहा उसका एडजेक्टिव, यहाँ पे ऐसे वाले साथ में हम लगा देते हैं, I had a heavy breakfast today, या फिर I had a late lunch today, I had a late lunch, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में यहाँ पे ये आप एडजेक्टिव लगा रहे हो साथ में, I had a late lunch, ठीक है, तो इस तरीके से इसके साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे में ए या ए इसके साथ में लग जाएगा, I had a heavy breakfast, I had a late lunch, it's fine, तो क्या आप एडजेक्टिव लगा के लिख रहे हो, बाकी ऐसे केस में ऐसे यूज कर रहे हो, ठीक है,
समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़े, क्लियर है सबको? बिल का सारा खेल यार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, बिफोर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च बेड हॉस्पिटल प्रिजन एक्सेट्रा व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। क्या लिखा है इसमें कि इन जगहों के नाम के आगे हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे इफ दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अगर इन जगहों को उनके प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट किया जाए, यानी जिस काम के लिए वो बने हैं उसी काम के लिए विजिट किया जाए, ठीक है, तो वी विल यूज, तो फिर वी विल नॉट यूज आर्टिकल विद देम। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे आप बोलते हैं अगर I go to school every day. अगर कोई बोलता है तो, ठीक है, I go to school every day. इसका मतलब ये कि वो पढ़ने के लिए जा रहा है। स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ना, पढ़ाना नहीं, ठीक है। अगर पढ़ाने जा रहा होगा कोई तो बोलेगा I go to school every day. Why? Because I am a teacher there. तो प्राइमरी पर्पस के लिए अगर आप किसी भी चीज को यूज करोगे, ठीक है, तो उसके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो go to the school, अगर स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है, go to the school वाले सेंस में तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। I go to the school every day नहीं होगा, I go to school every day, ठीक है। जैसे we go to church on Sundays. Sundays मतलब every Sunday बोल सकते हैं ना, वैसा है। तो I go to church होगा, we go to the church नहीं, मतलब because अभी Sunday को जा रहे हैं इस तरीके से। तो अगर आप prayer करने के लिए जा रहे हो रोज, तो आप बोलोगे I go to या we go to church on Sundays, तो go to the church नहीं, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे? जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, या फिर बेड है। बेड को कैसे बोलते हैं लोग, ठीक है? अगर मैं बोलता हूं एट व्हाट टाइम यू गो टू बेड, क्या मतलब होगा इसका? If I'm asking you what time you go to bed, what does it mean? इसका मतलब सबको पता है ना, ठीक है। At what time go to bed का मतलब क्या हो जाएगा कि किस टाइम, हाँ, what time do you sleep? बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन आप देखो जरा, मैंने यहाँ पे sleep जैसा कोई word use भी नहीं किया, but still it is clear that what I'm actually asking, कि मैं पूछ रहा हूँ कि भाई किस time सोने जाते हो, because आप आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हो। यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइमरी पर्पस बेड का क्या होता है? सोना, ठीक है, वी गो टू बेड। अभी जरूरी नहीं कि बेड पे सो रहे हो तुम, अगर नीचे टेबल अभी सोफे पे भी सोने का अगर माने ना, तो वही सोने के लिए इसी को बोला जाएगा आई गो टू बेड एट दिस टाइम, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर हम घर पे हैं, अभी घर पे होते हैं बेड को, तो हम तो फिर बेड पे जरूरी नहीं, हम क्या कहते हैं, खाना सो ही रहे हो, हम बेड पे सब बैठे होते, खाना भी खा लेते हैं, कुछ टीवी भी देख लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। तो वी वर सिटिंग ऑन द बेड एंड वॉचिंग टेलीविजन, वी वर सिटिंग ऑन द बेड एंड हैविंग स्नैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ बोलते हो कि वी वर सिटिंग ऑन द बेड एंड वॉचिंग टेलीविजन, तो उस टाइम पे आप द यूज कर लोगे, लेकिन जब सोने जा रहे हो तो आप द यूज नहीं करोगे, तो ये इसी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि अगर जिस चीज के लिए, और सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस में स्पेसिफाई किया होगा कि किस काम के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर स्पेसिफिक है कि भाई कोई अगर जेल में गया है या फिर हॉस्पिटल में गया है किस काम के लिए, तो आर्टिकल यूज नहीं करोगे। तो आप अगर सिंपल बताते हैं, अगर ऐसे बोला जाए कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में क्या अभी इलाज कराने जाते हैं हम लोग, तो इट माइट बी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर सम चेकअप या अपना ही कुछ इलाज कराने जा रहे हैं डॉक्टर के पास। And if you say I am going to the hospital, ठीक है, I am going to the hospital, इसका मतलब किसी किसे मिलने भी जा सकते हो, तुम डॉक्टर भी हो सकते हो और whatever, but you are not like मरीज, अभी तुम खुद को दिखाने नहीं जा रहे हो, I'm not going for the hospital for the checkup, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, if you are not using definite article, तो ये आप checkup के लिए जा रहे हो, and it means you are a doctor, और या फिर किसी से मिलने जा रहे हो, किसी को देखने जाते हैं, लोग तो visit करते हैं, वैसा। Is it clear? तो समझ आया वाला पॉइंट कि इन वाले आर्टिकल्स, इन वाले वर्ड्स के साथ भी हम लोग आर्टिकल यूज
नहीं करेंगे अगर हम उन्हें यूज कर रहे हैं उनके प्राइमरी पर्पस के लिए। ठीक है सिद्धार्थ, क्लियर हुआ? सिद्धार्थ क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। ठीक है बाकी लोग बताइए, संदीप, शीनू, सिद्धार्थ एंड प्रियंका। नाइस, ठीक है हर्ष, यस प्रगति, खुशी, चलो बढ़िया। ठीक है तो इस तरीके से होता है आर्टिकल की यूज करने का, तो बस सिंपल है। ठीक है अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको दिखेगा कि उसमें अगर किसी की बात की जा रही है ना कि अ पर्सन हु वाज इन द प्रेजेंट, तो द प्रेजेंट और अ प्रेजेंट आराम से सेंटेंस स्पेसिफाई करेगा कि किस सेंस में बोल रहा है, तो आर्टिकल वहां से हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट कहां क्या, तो यहाँ तक चलो आगे मैं लिखता हूँ। ओके नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, बिफोर द नाउंस आफ्टर द वर्ड्स लाइक हम देखिए आस्किंग समथिंग elected declared for the example I'm going to the hospital here using the isn't specific, it's not about being specific, ye equal specific wala case nahi yahan pe, theek hai yahan pe case hai ki अगर आप उस चीज को यूज कर रहे हो फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इन जगहों के नाम के आगे आर्टिकल यूज नहीं करोगे इफ दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अब तुम रोज एक ही स्कूल जाते हो तो वो तो स्पेसिफिक है ना, इट्स नॉट लाइक ये स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू गो टू स्कूल एवरी डे, यू आर सेइंग आई गो टू स्कूल एवरी डे, तब तो आर्टिकल यूज नहीं करोगे ऐसे करके। और ये तो वही पक्की सी बात है कि हम लोग एक ही स्कूल जा रहे हो तो वो तो स्पेसिफिक है। बट इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर लाइक यूजिंग स्कूल वर्ड इन अ सेंटेंस फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस, कि पढ़ने के लिए ही जा रहे हो, तो वो बताने के लिए आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बताना है कि भाई स्कूल मेरे घर के बहुत पास है, तो आप ऐसे बोल सकते हो द स्कूल इज वेरी नियर माय होम, द स्कूल इज नियर माय होम, ठीक है कि मेरे घर के पास ही में है स्कूल, तब आप द लगा दोगे। ठीक है तो यहाँ पे आप पढ़ने या ऐसे जाने की यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ स्कूल अगर पढ़ने जा रहे हो ऐसे केस में आप उसको अगर सेंटेंस में यूज करोगे तो द नहीं लगाओगे, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बता रहे हो तो फिर द लगाओगे। ठीक है वाली चीज, तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्कूल से बात नहीं है, यहाँ पे जो हम लोगों ने बात करी ना, हाँ पर्टिकुलर वाला और ऐसा वाला, वो तो यूज ही रहा, ऐसे केस में तो हम लगाएंगे द स्कूल इज एनी नियम आई होम, लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे उसका प्राइमरी पर्पस शो कर रहा है तब लगाएंगे। अब जैसे ये है वी गो टू चर्च ऑन संडेज, भाई मैंने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन मैं अगर ऐसे बोलता हूँ आई मेट हिम एट द चर्च, मैं उससे चर्च पे मिला था, आई मेट हिम एट द चर्च, तो ऐसे टाइम पे तो मैं लगाऊंगा आर्टिकल कि भाई किसी उस चर्च पे मिलाऊंगा जो घर के पास है या जो छाप में जाता हूँ ऐसा कुछ, तो ऐसे टाइम पे आप आर्टिकल लगा दो। ठीक है चलो नेक्स्ट मैं क्या लिख रहा था, बिफोर द नाउंस आफ्टर द वर्ड्स लाइक दिस, ऐसे नाउन के साथ में बिफोर द नाउन आफ्टर द वर्ड्स लाइक दिस इलेक्टेड डिक्लेयर्ड अपॉइंटेड डेट एक्सेट्रा, क्या होता है इसमें देखो, बिफोर द नाउन्स यानी कि हम ये पढ़ रहे हैं कि या फिर कोई भी आर्टिकल कहां यूज नहीं करना है। ठीक है तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि कहां यूज नहीं करेंगे, बिफोर द नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स लाइक दिस, ऐसे नाउन से पहले जो इन वर्ड्स के बाद आ रहे हैं, कौन से वर्ड के बाद आ रहे हैं, इन वर्ड्स के बाद, वो नाउन्स कौन से होते हैं, वो नाउन्स वो होते हैं जनरली सम पोजिशन हेल्ड बाय वन पर्सन, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जो एक ही इंसान एक बार में होल्ड करता है। ठीक है जैसे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिक्लेयर, जैसे अगर किसी को टीम का कैप्टन डिक्लेयर किया गया कैसे बोलेंगे उसे,
उसे टीम का कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया, हाउ वी विल से दिस, ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे? कैप्टन ऑफ द टीम, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने ये बोला है एज द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है, ही वाज डिक्लेयर्ड एज द कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ द इंडिया क्रिकेट कमांडर्स टीम, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, इसमें मैं क्या बताना चाहूँ, इसमें यह है कि जब भी इस तरीके का आप लिखोगे कि उसे टीम का कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया, ऐसे केस में आप द यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप सिंपल बोलोगे ही वाज डिक्लेयर्ड एज कैप्टन ऑफ द टीम, या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है बोलने का केवल इतना, ही वाज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। तो यहाँ पे द लगाना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं है, गलत है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं बोलोगे ही वाज डिक्लेयर्ड एज द कैप्टन ऑफ द टीम, एक बार को एज चल सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा सेंटेंस ये वाला है, और लेकिन द बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि द कैप्टन के आगे लगाओगे नहीं, आप बताओगे, अगर आपको बताना है कि हमारी टीम का कैप्टन है तो आप बोलोगे ही इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम, ऐसे केस में लगाओगे, लेकिन इन वर्ड्स के साथ में जो जनरली अपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं, पहली बार किसी को पोजीशन दी जा रही है ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, इन वर्ड्स के साथ नहीं लगाओगे, ठीक है। मतलब आप बोलोगे ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है, he was appointed as the principal, he was appointed the principal, बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बोलोगे, जैसे he was elected chairman of the board, he was elected chairman of the board, ठीक है। तो ऐसे में he was elected chairman of the board, तो उसके साथ में हम लोग the नहीं लगाएंगे, तो ये मतलब नहीं कि इन वर्ड्स के साथ आएगा ही नहीं, the आएगा, लेकिन हम लोग ऐसे केस में लगाएंगे जहां पर हम लोग डिक्लेयर अपॉइंटेड ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं। सोनाक्षी वन आंसर थिंग, यू आर नाउ अनम्यूटेड, सेंटेंस बता दीजिए। क्या चीज? मेड मेड, अच्छा मेड, सिंपल ऐसा ही, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं होगा, तो ही वाज मेड मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है, या द टीचर मेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा है, तो मॉनिटर ऑफ द, ही वाज मेड द मॉनिटर ऑफ, तो द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ही वाज मेड मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ही वाज अपॉइंटेड डिक्लेयर्ड, ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, तो अगर कहीं पे किसी को कुछ बनाया भी जा रहा है ऐसे भी, he was made monitor of the class, we can say like it like this, okay, so as the monitor of the class, yeah, the teacher made him monitor of the class, whatever you want to use as use case, okay, and these are acceptable, aur lekin ha da nahi lagayenge hum log, ye cheez confirm hai, jis tarah hum log da nahi lagate, although kuch jagah pe as likha hota hai, main bhi bata raha hu, kuch jagah pe as likha hota hai aur as galat hi mana tha, chal jata hai, lekin zyada acha tarika ye likhne ka, he was declared captain of the team, as the captain of the team nahi hua, समझ में आ गया सबको, सुनने में लग रहे हैं, आदिवार डिस्कस प्रॉब्लम ही होती है कि सुनने में वर्ड लग रहा होता है, ये सब बोला मींस कभी ऐसा बोला नहीं ना कि he was elected chairman of the board और ऐसा, तो हमेशा द लगाया है इसलिए वो थोड़ा हार्ड लग रहा है। यस 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 यस, अरे हमेशा जनरली बेसिकली बोलो ना, बोलने में तो दरअसल द लगाते हैं, ठीक है, विदाउट एज इट्स साउंडिंग ऑड, हां मतलब भी लग रहा होगा, लेकिन यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस, पता है आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें पता चलेगा हां पहले गलत होते थे, ठीक है, फिर हमें यही सही लगता है, ठीक है। ऐसे हो गया ना मेरे को भी, अगर मैं कहीं पढ़ भी रहा हूँ तो आप सीन की हाँ ऐसे ही बोला जाता है जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो इट्स फाइन, ऐसे ही लिखा जाएगा और बोला भी इसी तरीके से, ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है।
सब गलत ही पढ़ा लग रहा है। नहीं नहीं गलत ठीक है, ये बोलने में चल जाएगा, बिकॉज बोलने में अगर आप दा लगाओगे तो वो गलत नहीं माना जाता, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग बोल रहे होते हैं कुछ और दे आर एक्सेप्टेबल इन स्पोकन इंग्लिश, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ऐसा है। नेक्स्ट इसमें बहुत सिंपल सा रूल आता है, ये चीज तो बस यहाँ पे देखना है, ओमिशन हम लोग यहाँ तक है, यहाँ पे पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चंस में समझा दूंगा मैं आपको जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब। नेक्स्ट इसमें ओमिशन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे बोलते हैं हम लोग रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। सिद्धार्थ यू आस्क समथिंग, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स सर कोई बुक फॉलो करनी है यार, मैं बता दूंगा बुक अगर कोई फॉलो करवानी होगी, अभी तो यहाँ पे देखो, और क्योंकि एक्सरसाइज में भी मैं साथ में कराता रहूंगा, बाद में बुक फॉलो करनी होगी तो बुक में केवल आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है, तो आप बुक क्वेश्चंस तो आप जैसे मिसलीज करने हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, इसे बुक से भी कर सकते हो, बेसिकली आपको एक्सरसाइज करनी है, रूल्स के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूल्स हम लोग यही कर लेंगे काफी, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस के लिए करनी पड़ेगी तो क्वेश्चंस के लिए हम देंगे। चलिए रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल बहुत सिंपल फंडा होता है कि आर्टिकल को अगर हम रिपीट करते हैं तो क्या होता है, जैसे क्या मतलब है, सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, दूसरा आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या किया गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने जो पहला सेंटेंस बोला आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग और दूसरा आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे क्या है, एक डॉग है जो दो कलर्स में है, मेरे पास एक डॉग है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास दो डॉग्स है, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ठीक है, तो दिस इज रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, जहाँ पे पहले वाले मैंने एक ही ए लिखा, एक ही डेफिनेट आर्टिकल लिखा, इससे लगा मेरे पास एक ही डॉग है दोनों कलर का, ये पता चला, और दूसरे वाले में पता चल गया कि मेरे पास दो डॉग्स हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज आती है, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं द मैनेजर एंड कैशियर इज एब्सेंट टुडे, इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है आपको बताइए, मैनेजर और कैशियर एक ही बंदा है, मैनेजर और कैशियर एक ही बंदा है, या तो इस वाले केस में क्या है, देखो इसमें क्या है, आर नहीं होगा, क्योंकि मैनेजर एंड कैशियर इज एब्सेंट टुडे, इसका मतलब है कि एक ही पर्सन है जो क्या है, मैनेजर भी है और कैशियर भी, मतलब एक ही इंसान के पास दो पोस्ट है, वो मैनेजर भी है और कैशियर वाला पार्ट भी संभाल रहा है, तो ये इसका मतलब ये होगा, और दो अलग अलग लोग होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, द मैनेजर एंड द कैशियर यस आर एब्सेंट टुडे, ठीक है, तो दो अलग अलग लोगों के लिए मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो यहाँ पे आ रहा जाएगा। अच्छा आप लोगों ने कई बार जैसे देखा होगा ना कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी इज दिस पर्सन, आजकल क्या होता है ना, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो डायरेक्ट कर रहा है मूवी वही प्रोड्यूस कर ले रहा है, ठीक है, तो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी इज दिस पर्सन, इसका मतलब एक ही इंसान है जो डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है, और अगर दो अलग अलग लोग होंगे तो बोलेंगे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि ये पोजिशन है, किसी का नाम थोड़ी है, पोजीशन है, एक इंसान मैनेजर है वो दूसरा काम भी कर सकता है साथ में, लोग एक साथ दो दो पोजीशन संभालते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आप डेफिनेट आर्टिकल दो यूज करोगे तो आर प्लूरल हो जाएगा, तो ये सिंगुलर से ही है क्योंकि यहाँ पे दिखा रहे एक ही पर्सन है, इसके पास दो पोजीशन है और यहाँ पे दो लोगों के पास चल रहा है। अब इसमें क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे द पोएट एंड फिलोसोफर Have arrived. कैसे सही करेंगे वैसे? कि the poet and philosopher have arrived. अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है तो
चलो जब इसे जब इसे एग्जाम में सही करने की बारी आएगी तो हम लोग नहीं द फिलोसोफर नहीं लगाएंगे, हम लोग वर्ब चेंज करेंगे। हाँ, हैव को हम लोग नहीं आएगा ना करेंगे। देखो क्योंकि एक चीज समझते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या है, ये फैक्ट है सेंटेंस में, दे वो फैक्ट है कि भाई एक ही पर्सन है जो पोएट भी और फिलोसोफर भी, पोएट एंड फिलोसोफर, तो अगर उनके अकॉर्डिंग एक ही इंसान है तो हम एक ही रहने देंगे, हम अपनी मर्जी से फैक्ट को चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे द पोएट एंड द फिलोसोफर नहीं करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज किया जाना चाहिए वो करेंगे, तो हम यहाँ पे हैज लगा देंगे। ठीक है, द पोएट एंड फिलोसोफर हैज अराइव्ड, सबके लिए ठीक है। तो दिस वॉज रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल की किस तरीके से हम आर्टिकल को रिपीट करते हैं और उसके बाद उसके वर्ब पे चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल ऐसे ही था, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, अगर इसके आगे मैं उसके डॉग के बाद ही बात करूंगा तो इट ऐसा कुछ यूज करूंगा कि इसके आगे सिंगुलर वर्ब लगेगा, एंड इट इज व्हाटएवर यू वांट टू से अबाउट योर डॉग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग एंड दे आर, यहाँ पे आपको पता है कि दो है, आप प्लूरल यूज करोगे, यहाँ पे इट यूज करोगे प्रोनाउन। ठीक है, तो इन चीजों पर फर्क पड़ता है बेसिकली आर्टिकल की वजह से, और योर प्रोनाउन एंड वर्ब्स आर गेटिंग इफेक्टेड, ऐसा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ सबको, ये बेसिकली रूल्स तो इतने ही काफी हैं, हम लोग इसके आगे बस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे इससे आर्टिकल्स के यूजेस को। ठीक है, एक तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो यार क्वेश्चन सब लोग बता देंगे, अब इसलिए इस क्वेश्चन करेंगे आर्टिकल्स का लेना भी हमने, तो उसके आगे साथ हम एक रिक्वेस्ट। हाँ संदीप बताओ यार क्या है। सर जैसे हर एक मींस एक एक पार्ट है, नॉमिनेशन में अराउंड 6 to 7 पार्ट्स हैं, जैन हर एक के हर मींस आई मीन दिस फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स में, जैसे आपने भी जितना सारे सीखा है 6 to 7 पार्ट्स हैं उसमें, देन हर एक पार्ट के मींस थोड़े मींस 6 to 7 या 8 ऐसा 10 एग्जांपल्स एक एक के मिल जाते तो अच्छा रहता है, कॉज ऑफ रिवीजन में काम आता है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल यार, उससे ज्यादा मिलेंगे। अब मैं जब कोशिश कराऊंगा, जैसे अभी कोई भी रूल्स हमने जो किए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल तो देखो हमने साथ में लिखे ही हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे थे एग्जाम्पल तो साथ में लिखे ही हैं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ही वॉज इन अ थीव्स बट नाउडेज ही गोज टू द चर्च, and offers prayers for hours. क्या होगा इसमें? Goes to church, yes, Mamta. ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, goes to church. संदीप समझ में आया यहाँ पे, goes to church आएगा? Sir. पर इधर से स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं ना, he was an atheist but nowadays he goes to the church. हाँ हाँ बिल्कुल। Then the कैसे नहीं आएगा वो समझा नहीं। The ऐसे नहीं आएगा कि he was an atheist but nowadays he goes to church, इसका मतलब चर्च क्या करने आता है वो, हम ये बता रहे हैं क्या करने आ रहे हैं, प्रेयर पढ़ने आ रहे हैं, प्रेयर करने के लिए। तो हमने ये पढ़ा था कि जिस जगह पे आप चाहोगे उसी काम करने के लिए, और एग्जांपल था ना हमने जो पढ़ा था
ओके बिफोर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च यस बिफोर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च अगर हम उसे उसी काम के लिए यूज कर रहे हैं फॉर द प्राइमरी पर्पस देन वी विल नॉट यूज आर्टिकल विद देम प्राइमरी पर्पस यस सर प्राइमरी पर्पस तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है प्रेयर करना प्रेयर कर दी जा रहा है तो ऐसी जगह पे हम लोग द हटा दें कैसे यूज किया जाना है वहां पे आर्टिकल आना चाहिए कहाँ पे नहीं आना चाहिए ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में भी जितने भी रूल्स आपके पास जैसे आज हमने चीजें देख ली एक बार उसे देख लेना बाकी मैं इसकी स्लाइड्स भी आपके लिए दे दूंगा और फिर हम उसके बाद में स्लाइड्स आज कोशिश करूंगा आज आपके पास पहुंचे इसकी And then from the next in the next class we'll do some errors on this. ठीक है हम क्वेश्चन करेंगे कैसे एग्जाम में आते हैं किस तरीके के और सब हमारे सारे रूल्स रिवाइज होंगे फिर से तो मैं वो भेजूंगा आपने जहां भी रूल्स देखे एक बार पढ़ के भी आएगा नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट हो वो बताना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसे और फिर हम लोग आराम से क्वेश्चन के साथ करेंगे ठीक है क्लियर है सबके लिए गाइस कोई और डाउट अभी इस स्लाइड से क्वेश्चन से रिलेटेड चलिए प्रियंका फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संदीप चलिए ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो गेट रेडी फॉर दैट बी प्रिपेयर्ड थोड़े रूल्स पढ़ देना जो हमने लिखा है जिन लोगों ने किया है पहले वो लोग पढ़ देना बाकी जैसे सिद्धार्थ का था और शायद खुशी का था जिन लोगों ने आज किया तो आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आएगा डोंट वरी ठीक है चलिए सी यू गाइस